नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। अभी रिसेंटली एमका को लेके कुछ रिपोर्ट सामने आए थे और एमका के कुछ डिजिटल प्रोटोटाइप को इंडिया टीवी की तरफ से डिस्प्ले किया गया था। अभी एक तरफ देखा जाए तो ये अच्छी बात थी, जिससे साफ होता था कि एमका प्रोजेक्ट पर अभी काम किया जा रहा है, लेकिन इस डिजिटल प्रोटोटाइप में ऐसे कई चीज़ें देखा गया था जो कि एमका की स्टेल्थीनेस के ऊपर सवाल करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसमें से हो सकता है जो एक्सटर्नल वेपन सिस्टम के साथ इसको दिखाया गया था वो सिर्फ एमका को वहाँ पे एक नॉन स्टेल्थ मोड में डिस्प्ले किया गया था, लेकिन इसकी मॉडल में अब एक फ्रंट में आईएसटी सिस्टम को नोटिस किया गया था, जो कि यकीनन इसकी स्टेल्थीनेस के ऊपर असर डालने वाला था। अब इनिशियली जो प्लान किया गया था उसमें एमका में F-35 की तरह IDS सिस्टम को इस्तेमाल करने की बात की गई थी और कुछ साल पहले से सिस्टम को डेवलप करने की बात भी HAL की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अभी इसकी मॉडल में एक फ्रंट IRST सिस्टम को ऐड करने की बात किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि इससे एमका की स्टेल्थीनेस के ऊपर असर पड़ने वाला है। लेकिन अभी एमका को लेकर कुछ और अच्छी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि अभी तक एमका को सिर्फ भारत की तरफ से अपने दम पर ही डेवलप करने की बात की जा रही थी और इसमें भारत की तरफ से किसी भी और देश का मदद नहीं लिया जा रहा, पर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही भारत और जापान के बीच एक वर्चुअल मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिस मीटिंग को हमारे और जापान के डिफेंस मिनिस्टर के बीच आयोजित किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों की तरफ से जॉइंटली कई डिफेंस प्रोजेक्ट में एक दूसरे को हेल्प करने का फैसला किया जा रहा है। अब जापान की तरफ से यहाँ पर भारत को 2 मेजर प्रोजेक्ट में मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें एक तो जापान भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अपना पैर को जमाना चाहता है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहता है, और साथ ही वो अभी भारत को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका को डेवलप करने में मदद करने की ऑफर कर रहा है, और एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पार्ट्स को और कंपोनेंट्स को भारत में बनाने के लिए वो भारत के साथ अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि भारत की तरफ से अपनी खुद की एक AIP सबमरीन को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें भारत अभी लीड एसिड बैटरी सेल के बदले लिथियम आयन बैटरी सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को अभी डेवलप करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड को कहा गया था। तो ऐसे में जापान भारत को मदद करना चाहता है क्योंकि जापान के पास अभी टेक्नोलॉजी मौजूद है और पूरे दुनिया भर में जापान पहला देश था जिसने लिथियम आयन बैटरी को बेस करके सबमरीन को ऑपरेशनल करने में कामयाब हुआ था, क्योंकि भले ही लिथियम आयन बैटरी सेल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पावर डेंसिटी को प्रोवाइड करते हैं और बाकी किसी भी बैटरी सेल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें आग लगने का और ब्लास्ट होने का सबसे ज्यादा चांसेस भी बना रहता है। तो भी इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जापान की तरफ से भारत को मदद करने का वादा किया जा रहा है। अगला अपडेट चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेके। आप सबको याद होगा भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए डील को फाइनल किया गया था। फिर इसके बाद 2019 में इन सभी हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को अपनी मेन या प्राइमरी हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग तरह के मिशन में भारत इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हम रशियन ओरिजिन MI-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनका सर्विस अवेलेबिलिटी इतना अच्छा नहीं था और अभी वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में थे, जिस वजह से इनको अभी वापस ओवरऑल करने के लिए रशिया भेजने का फैसला किया गया था। अब वर्तमान की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर्स की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश था, लेकिन अभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जो कि इंडियन एयरफोर्स को चिंता करने पर मजबूर करने वाला और मजबूरन हो सकेगा तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंडेड रखना पड़ सकता है। अब देखा जाए तो अभी तक इंडियन एयरफोर्स की चिनूक हेलीकॉप्टर को लेके हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा या कोई भी टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ा है, पर अभी सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट आर्मी की तरफ से भी अचानक से अपनी सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कर दिया गया। अब ग्राउंडेड करने से भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं था, क्योंकि अगर किसी एक हेलीकॉप्टर में या किसी स्पेसिफिक बैच में बनाया गया डिलीवर किए गए चिनूक हेलीकॉप्टर में अगर कोई दिक्कत होती या टेक्निकल इशू होती या ऐसी कोई बात सामने आती तो उनको ग्राउंडेड किया जा सकता था और उस ग्लिच को फिक्स करने के बाद उनको सर्विस में शामिल किया जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आर्मी की तरफ से अपनी सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने की बात सामने आई है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट को एक क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि आखिर किस वजह से ऐसा किया जा रहा है और अगर कोई मेजर इशू यहाँ पे सामने आता है तो भारत की तरफ से भी मजबूरन अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंडेड रखना पड़ सकता है।
अभी तक पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी की किसी चिनूक हेलीकॉप्टर में इंजन में आग लगने की खबर सामने आई थी और उसके बाद यूएस आर्मी की तरफ से अपनी सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कर दिया गया था। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसे अभी एक टेक्निकल फॉल्ट माना जा रहा है। तो जब तक यूएस की तरफ से इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया आता है, तब तक ये कन्फ्यूजन रहने वाला है कि इंडियन एयरफोर्स की चिनूक हेलीकॉप्टर में वो सेम ग्लिच मौजूद होगा या फिर मौजूद नहीं रहने वाला है। अगला अपडेट MiG-29 के फाइटर जेट्स को लेके, जिनको मेनली MiG-29s की नेवल वेरिएंट कहा जा सकता है। अब भारत की बात करें तो भारत के पास अभी टोटल 40 से 42 MiG-29 के फाइटर जेट मौजूद है। वैसे टोटली हमारे पास 45 MiG-29 के मौजूद थे, लेकिन इनमें से कुछ क्रैश हो गए थे और क्रैश की वजह से शायद 2 से 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए थे, जिनमें से एक क्रैश 2019 के आसपास हुआ था और 2020 में 2 जेट क्रैश होने की बात सामने आई थी। तो अभी यह नंबर 40 से 42 के बीच ही होने वाली है। अभी इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन नेवी की बात करें, तो इन दोनों की तरफ से भी ज्यादा दिन तक MiG-29s को ऑपरेट करने का मन नहीं बनाया जा रहा है और जल्दी से इनको रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ही खराब है, जो कि एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो 30 से 40% के बीच होता है। और इसमें से अगर नेवल वेरिएंट यानी कि MiG-29 की के वेरिएंट की बात करें, तो इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा खराब होता है, जो कि पिछली कैग रिपोर्ट के मुताबिक 18% से लेकर 40% के बीच था। तो इनका एवरेज अभी और भी ज्यादा कम होने वाला है और ये एक मेन कारण होने वाला है जिस वजह से इनको इतनी जल्दी रिटायर किया जाने वाला है। पर जैसे कि अभी हम इनको कम से कम 10 साल और ऑपरेट करने वाले हैं, तो इस वजह से अभी इनको फर्दर अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए HAL की तरफ से अभी एक नई मिशन कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे अभी MiG-29 में इस्तेमाल हो रहे सोवियत ओरिजिन मिशन कंप्यूटर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको इंस्टॉल करने के बाद ही हमें पहले के मुकाबले फास्टर प्रोसेसिंग के अलावा मॉडर्न और इंडियन वेपन्स को भी इजीली MiG-29 में इंटीग्रेट करने की मदद करने वाले हैं। अभी हम MiG-29 में मेनली रशियन ओरिजिन वेपन्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और रशियन सिस्टम के अलावा हम चाहकर भी कोई मॉडर्न वेपन्स को इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भारत के रिक्वेस्ट करने पर रशिया की तरफ से इसके लिए कोई नई मिशन कंप्यूटर को सप्लाई करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि पहले से ही इनकी प्रोडक्शन बंद हो चुका था। तो रशिया की तरफ से इसके लिए कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा था। अब HAL की तरफ से इसके लिए जो स्पेसिफिक इंडियन मिशन कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, इसे अभी जल्दी से ही MiG-29 में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा और आने वाले 8 से 12 महीनों के अंदर इसको MiG-29 में कम्प्लीटली इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब जैसे कि एक मेड इन इंडिया मिशन कंप्यूटर होने वाला है और आज के जमाने का कंप्यूटर होने वाला है, तो हमें एग्जिस्टिंग सोवियत ओरिजिन मिशन कंप्यूटर्स के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है। और इसके बाद हम आसानी से MiG-29 में अस्त्र या SRAM जैसे मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि अभी इंटीग्रेट करना संभव नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा करने के बाद ओवरऑल MiG-29 की परफॉर्मेंस और उनकी फायर पावर दोनों बेहतर होने वाली है, क्योंकि अभी हम इसमें सिर्फ रशियन वेपन का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आगे चल के हम इसमें किसी भी वेस्टर्न ओरिजिन के वेपन को या किसी भी इंडियन वेपन का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें अस्त्र सीरीज की VVR मिसाइल से लेके रुद्रम सीरीज की एयर टू सरफेस मिसाइल भी शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट बॉम्बर्स को लेके, और आज तक कई बार इसको लेके सवाल उठे थे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ आखिरकार किस वजह से बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और आखिर किस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को एक्वायर नहीं किया जा रहा। इसको लेके लगभग एक महीने पहले भी एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 7 TU-160 बॉम्बर्स को खरीदने का या फिर लीज पर लेने का फैसला किया जा रहा। तो ऐसे करीब 6 बॉम्बर को एक्वायर करने की रिपोर्ट सामने आई थी और ये स्टेटमेंट हमारे फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ की तरफ से दिया गया था। और तब मैंने आपको बताया था कि आखिरकार किस वजह से इंडियन एयरफोर्स ऐसे बड़े साइज की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था और जरूरत पड़ने पर अपनी मल्टीरोल एयरक्राफ्ट की मदद से प्रिसिजन स्ट्राइक या अपनी टैक्टिकल बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझता है। अब मेन कारण ये था कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बहुत ही साइज में बड़े होते हैं, जिनको दुश्मन आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और दुश्मन की एयरक्राफ्ट और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इजी टारगेट बन सकते हैं और इनको बिना एस्कॉर्ट के इस्तेमाल नहीं किया सकता है। इनको तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम या एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट कम्प्लीटली डाउन हो जाए और ऐसे कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर अभी हमारे एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी ने बताया है कि ये बात सामने आया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी रशिया से 6 TU-160 जैसे एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की प्लानिंग किया जा रहा था। ये बात बिल्कुल गलत है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं किया गया और उनका ये कहना था कि ये जेट 60s के दौर के डिज़ाइन के हैं और इनको वर्तमान की एयर डिफेंस सिस्टम और मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला और साथ ही इनको ऑपरेट करना बहुत ही महंगा भी पड़ने वाला है, जो कि हमारे बजट में फिट नहीं होने वाला है। और इसके अलावा हमें इससे कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला। इंडियन एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर किसी भी स्ट्राइक मिशन को करने के लिए अपनी
जगुआर जैसे डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है, फिर अपनी मल्टीरोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाला है। और ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए हम लोग अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहीं पर भी अभी बॉम्बर को एक्वायर करने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो अभी अपनी सभी बॉम्बर्स को रिटायर करके उनकी जगह पर मल्टीरोल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।